जाएंगे। और ये जो बच्चे हैं कोई सेकंड क्लास में है, कोई थर्ड में है, ठीक है ना, कोई फिफ्थ में है, अलग अलग क्लास के बच्चे हैं सारे सारे, तो ये बच्चे भी आपको वो चीजें करके दिखाएंगे जिनको हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते इतना फास्ट भी किया जा सकता है क्या, वो भी बिना पेन के बिना कैलकुलेटर के, होती नहीं चीजें। तो आज हम लोग इसका देखेंगे। और दूसरी बात, क्या आपको किससे मैथ ही अच्छा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इससे मैथ अच्छा नहीं होता है, आपको अपने दूसरे जो सब्जेक्ट है ना उसको याद करने में भी आसानी रहती है। तो आपका मेमोरी, आपको याद करने की जो कैपेसिटी है वो काफी तेज हो जाता है। क्लियर? तो पहले हम लोग डेमो देख लेते हैं और डेमो के बाद फिर आपको बताएंगे कि हम आपको कैसे चीज को पढ़ाने वाले हैं, कैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक दो फिर आप लोग पूछना, पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को डिवाइड बोलिए, सिंगल डिजिट बोलो, नाइन्टी फोर रिमाइंडर फाइव, सही है क्या? रिमाइंडर 94 रिमाइंडर 3। अब जो कितना हम लोग टाइम लगा ना लिखने में, 182 गया ना, ठीक है। और 200 तक टेबल लिख देते हैं, 200 तक टेबल, और ये जो खड़े हैं ना ये तो 1000 तक टेबल बोल देते, लिख देते हैं, बोले थोड़ा दिक्कत आता है, लिख देते 1000 तक टेबल। और ऐसा नहीं है कुछ जादू कर रही है, आप भी करोगे, आप देखोगे कि 6 मंथ के बाद आप भी ऐसा करके दिखाओगे, और इनसे भी बहुत फास्ट, इनसे भी बहुत फास्ट करके दिखाओगे आप लोग, ठीक है ना। अब आप एक करके दिखाओ मल्टीप्लाई, अब आप बोलो नंबर टू बेटा कोई डबल डिजिट, 98 मल्टीप्लाई 5, 6, 8, 6, ठीक है ना। हाँ,